नो एंट्री पुलिस थाना रामदेवरा। इसको पोपट बना के इसको ये गाड़ी में बिठा दिया। ये हैरान है तो कैसे वो गाड़ी में रोता तो मैं जो ही रंबा मंडे तो मेरे को घर आवा तेरा उल्लू बनाया बड़ा मजा आया काम है। हे गाइस कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज नए दिन नई शुरुआत और अभी सीधा नाना धोना हो चुका है। आज बज रहे हैं तो देख लेता हूँ कितने बज रहे हैं, मतलब 7 8 8 हो रहा होगा। तो अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए ब्रेकफास्ट, तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं बाद में पार्क करते हैं। तो गाइस देखो क्या महफिल जमी थी, क्या मज़ा आ रहा था ना। सुबह होते ही सब ख़त्म हो गया, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। मम्मी सिस्टर सब वगैरह चले गए, मैं नहाने गया हुआ था, लेट हो गया। तो चलो अपने भी जाते ब्रेकफास्ट करने के लिए, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइज अभी रूम चेकआउट कर दिया, सामान पहुंच चुका है हमारी कार में। तो देख लो एक आखिरी नज़र हमारा टेंट को, और आखिरी बार फोटो सेशन चल रहा है यहाँ। तो यहाँ से जाने वाले हैं रामदेवरा, रामदेव पीर जी के मंदिर। तो यहाँ से शायद पता नहीं कितना होता होगा, मैप में देख के बताता हूँ फिर। 158 किलोमीटर होता है, तो 3 घंटे का रास्ता है, 3 साढ़े 3 घंटे। तो वहाँ तो शायद मंदिर में वीडियो शूटिंग नहीं करने देते, और करने देंगे तो आपको पता ही आपका भाई मौका छोड़ता नहीं है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं, और सुबह सुबह की वाइब्स, धूप निकली है पर ठंड भी लग रही है, तो चलो निकलते हैं। काव्या कैसा मज़ा आया कि नहीं आया तेरे को? तो अब कहाँ जाना है तुझे? हाँ तो ये राजस्थान तो है, तो ये खेल रहा है देखना। तूने अरे इसने क्या किया, कल रूम का ताला खो दिया और धूल में ऐसे फंसा के कहीं घुमा दिया। बोलो वो ताला कहाँ गया रूम का? मिट्टी में डाल दिया। अरे यार तू बहुत परेशान करता है हमको। तो यहाँ रुके थे फ्यूल स्टेशन पर, और हमारी क्रेटा में तो आधा टंकी पेट्रोल था, तो उसमें 3500 का आया, और ब्रेजा में 4000 का, और यहाँ पे शायद कितना प्राइस है डीजल का? 92 रुपीज़ अपने वहाँ से 3 रुपया ज़्यादा। चलो कोई नहीं, अभी सीधा जा रहे हैं रामदेवरा, रामदेव पीर के दर्शन करने, फिर वहाँ से देखते हैं जोधपुर, वहाँ से जोधपुर जाते हैं या देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो गाइस अभी पहुँच चुके हैं रामदेव पीर मंदिर के पास, यहाँ से आधा किलोमीटर ही मंदिर है, और सच में मैं पहली बार आ रहा हूँ, अमेजिंग फीलिंग राजस्थान। मैं अबू तो 2-3 बार जा चुका हूँ राजस्थान में, पर ये सब जगह जोधपुर, अरे सॉरी अपने ये सब जगह हमने घूमी, तन्नोट माता है, फिर जो एक्सपीरियंस हमने किया है जैसलमेर में वो सब पहली बार था। तो अभी चलो नो एंट्री पुलिस थाना रामदेवरा, अपने आर्मी के जवान। तो अपने दोनों कार्स पार्किंग में लग चुकी है। काव्या तू तो मेरे साथ बैठने वाला था ना काव्या, हाँ सो गया था सामने, तो देख क्यों नहीं आया हमारी गाड़ी में, इसको पोपट बना के इसको ये गाड़ी में बिठा दिया। ये हैरान नहीं तो कैसे वो गाड़ी में रोता तो मैं जो ही रंबा मंडे तो मेरे को घर आवा तेरा उल्लू बनाया बड़ा मजा आया काव्या। तो गाइस ये है अपने श्री बाबा रामदेव समाधि स्थल का रास्ता, मतलब मंदिर का रास्ता। तो
आज कोई भीड़ नहीं है, देखो मतलब कोई लोग नहीं है, हम ही लोग हैं 5-6 जने। आज दर्शन भी मस्त होने वाले, वरना यहाँ देखो कितनी भीड़ होती है। इसलिए बैरिकेड कितने लगाए, देखो देखो लाइव दर्शन भी हो रहे हैं बाबा जी के। कार्तिक मेन मंदिर सामने, तो अमेजिंग फीलिंग, बहुत मज़ा आया दर्शन करके, अच्छा लगा। अभी देखते हैं कहीं खाना वाना खाने रुकते हैं, उसके बाद जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे, रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, आज तो अहमदाबाद नहीं जाएंगे। तो डाइले का कंगन, इसके अंदर से निकलने से यात्रा सफल मनोकामना पूर्ण होती है। ले पकड़ दो, कौन आंखों अंदर है, पकड़। भाई इतनी सारी भीड़ होती है यहाँ पे, एक भी आदमी नहीं है, करीब 100-150 लोग ही थे। आराम से दर्शन हो गए, मस्त। ऐसे तो दर्शन किसी के ना, ऐसे दर्शन हो गए। क्या जानवी, भीड़ मिली मंदिर में? तो गाइस ढेर सारी शॉपिंग के बाद हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से बाहर मंदिर से। तो मैंने एक कैरी बैग लिया, ये वाला कमर में लटकाने के, जेब में बहुत वजन हो जाता है। चलो शॉपिंग कंप्लीट, अभी पेट पूजा करते हैं फिर काम दूजा। तो खाना शुरू कर दिया गाइस, खाओ। कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया, इसको तो बढ़िया है, पर भूख खतरनाक लग गया। अभी एक परोठा आया है, आलू परोठा, अभी इसको फिनिश करते हैं, फिर गाड़ी में जाके अभी खाना भी आ रहा है और खाएंगे, उसको खत्म करते हैं पहले। जब खाना आएगा उसके बाद देखा जाएगा, नींद आती है तो सो जाएंगे। तो गाइस खाना वाना खा लिया है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। क्या है भाई तेरे को? तेरे को कुछ नहीं दिलवाना है। तो सबने मिलकर डिसाइड किया है कि जोधपुर साइड जाते हैं, यहाँ से 180 किलोमीटर है रामदेव पीर के मंदिर से रामदेवरा से। तो अभी देखो बच गया 3, तो 3-4 घंटे का रास्ता है। अच्छा रास्ता हुआ तो 3.5 घंटा, और अच्छा नहीं हुआ तो 4 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटा भी लग सकता है, पर राजस्थान के रोड अच्छे ही है। तो देखते हैं जोधपुर रुकेंगे या फिर रास्ते में कुछ स्टे कर लेंगे। तो गाइस अभी यहाँ से जोधपुर 45 किलोमीटर बाकी है और यहाँ होटल पे रुके, सोचा अभी 45 किलोमीटर है तो 1 घंटे का रास्ता है तो चाय पानी कर लेते हैं। सब लोग सो चुके हैं गाड़ी में भाई। तो गाइस हमारा प्लान था कि जोधपुर जाएंगे, तो फैसला ऐसा हुआ है कि जोधपुर यहाँ से बहुत नज़दीक है और 150 किलोमीटर पाली चले जाते हैं, क्योंकि पाली हमको नज़दीक, मतलब नज़दीक ही है,
और वहाँ होटल लेके सो जाएंगे, तो दूसरे दिन अहमदाबाद निकल जाएंगे। और बस अहमदाबाद जाना है, 3 दिन की ट्रिप हो गई, कल चौथा दिन होगा। 3 दिन कैसे निकल गए राजस्थान में पता ही नहीं चला, मज़ा आया। और भाई राजस्थान की रोड सिंगल लाइन है, पर आप आराम से 100, 120 चल सकते हो। चलो फिर पाली, या रास्ते में कुछ बताता हूँ, मिल लेता हूँ बताने लायक कुछ। तो गाइस पाली के आगे 3 रूम बुक करवा दिए थे, तो एक रूम ये है और ये, एक रूम ये और एक रूम ये वाला, तो ऐसे कुछ रूम है हमारे। देखो हाँ, वॉशरूम वगैरह ऐसे रूम बुक करवा दिए। ओ देराज क्यों वही रो रहा है, तो आराम करते हैं अभी, फिर खाना वाना खाने जाएंगे। तो ठीक है गाइस, तो गाइस देखो कि अभी तो कोई अच्छी जगह पर ही हूँ मैं। तो उस दिन पाली रुक गए थे हम लोग, और पाली रुकने के बाद हम दूसरे दिन अहमदाबाद के लिए निकले। तो अहमदाबाद नहीं, आबू रोड से हम 35 किलोमीटर दूर थे। तो और 35 किलोमीटर के अंदर भाई इतनी मस्त हवाएं चल रही थी, ठंडी मस्त हवाएं थी। और आबू रोड 35 किलोमीटर बॉर्डर सामने ही था, फिर क्या हुआ, मन बहक गया हमारा, मन बहक गया कि अगर राजस्थान घूम के आए हो भैया और आबू नहीं जाओगे तो क्या राजस्थान तुमने आधा देखा। ये जो राजस्थान में आबू है ना, वो राजस्थान का टॉप हिल है, मतलब सबसे राजस्थान में सबसे ऊंचा पहाड़ ओनली फॉर आबू है। तो माउंट आबू आ चुके और अभी हमारी रूम में सोए हैं, तो इसके बाद का वीडियो शायद वही आएगा आबू का। तो पूरी राजस्थान सीरीज देखना भाई, बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से सब लोग यहाँ सो चुके हैं। यहाँ पर भी तीन रूम लिए, पापा मम्मी का, दोनों सिस्टर का, और मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, वो सब सो गए। और मैं आपके लिए वीडियो एडिट करके लास्ट पार्ट इसका देख रहा था कि भाई मैंने इसका लास्ट पार्ट नहीं बनाया, तो इसको वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद का वीडियो आएगा माउंट आबू का। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तो भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।